संजू बाबा, गुड आफ्टरनून, ज्योति वेंकटेश। हाय ज्योति, हाउ आर यू? कंग्रेट्स, बिकॉज मेरे ख्याल से आफ्टर दत्ताब हु मेड यादे एज अ फर्स्ट एवर वन एक्टर फिल्म, यू हैव द क्रेडिट ऑफ मेकिंग ए मराठी फिल्म विद इन 60 days ऑफ इट्स अनाउंसमेंट। ये आइडिया कैसे आया? ये ज्योति, ये सब क्रेडिट यहाँ जो बगल में बैठे हैं ये इनको दिया जाता है, बिकॉज रियली इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है। फ्रॉम अभिजीत टू संदीप भार्गव एंड नताशा एंड एवरीबॉडी फ्रॉम संजय द प्रोडक्शन साइड, सो आई थिंक दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू हर। रवि फ्रॉम AB P News। सर, रॉकी से लेकर अब तक आपका करियर जो है काफ़ी ग्लोरियस रहा है। आपने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और बहुत कामयाब करियर रहा है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे आप आगे जाके हिंदी सिनेमा में किस तरह के रोल चुनना चाहते हैं, किस तरह के रोल करना चाहते हैं? ये जो इनिंग्स आप खेल रहे हैं, और क्या आप आगे जाकर मराठी सिनेमा में भी नज़र आएंगे कभी? क्योंकि कुछ ऐसे सितारे हैं हिंदी के जिन्होंने अभी अभी हाल ही में मराठी के फिल्में की हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी है, उन्होंने एक फिल्म अभी की थी। तो क्या इस तरह का कोई इरादा है आपका कि आप भी काम करेंगे? भैया, सबसे पहले उम्र के हिसाब से का मतलब क्या है? नहीं, दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद हो गई क्योंकि कलोन लगाता था शेविंग के बाद में। नहीं, लेकिन सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता, लेकिन आई विल डू सम ग्रेट कैरेक्टर्स, जैसे मेल गिप्सन करते हैं या डेन्जिल वॉशिंगटन करते हैं, तो उस किस्म के कैरेक्टर्स मैं करूँगा। और जी, रॉकी से लेके अब तक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सीखने को बहुत मिला है, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सीखने को बहुत मिला मुझे। और क्या पूछा सर? एक सवाल ये था कि क्या बाकी कई जैसे हिंदी